प्रोग्राम फोरसाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे जमाल खाशकजी सऊदी सहाफ़ के कत्ल के हवाले से, जो अमरीकी इंटेलिजेंस की इदारे की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, जिसमें सऊदी वली अहद का नाम बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ चुका है और ये कहा गया है कि इस वाक़े में दरअसल मरकज़ी जो किरदार अदा कर रहे हैं और जिनके अहकाम पर यह तमाम तर अमल हमने मुकम्मल होता हुआ देखा, उसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को नामजद किया गया है, शहजादे को जिम्मेदार करार दिया गया है। और जो बाइडन इंतजामिया ने जमाल खाशकजी कत्ल केस का जो पर्दाफाश किया है, इससे सऊदी अरब और अमरीका के माबैन ताल्लुकात कितने मुतासर होंगे, आया केस में कशीदगी आ सकती है। जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर सदारत में मुहाहदे हुए थे सऊदी अरब और अमरीका के माबैन, वो ख़त्म हो सकते हैं या उसमें किसी कस्म का कोई तातुल आ सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे जो बाइडन की अब तक की हिकमत अमली और पॉलिसीज़ के हवाले से, कुछ कवानीन ऐसे हैं जिसको वापसी लिया गया है। अगर हम इमिग्रेशन की बात कर लें तो ट्रंप के दौर सदारत में एक हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें ग्रीन कार्ड या मुस्तकिल सकूनत की दरख्वास्त देने वालों को अमरीका में जो है वो बाकायदा तौर पर उनकी जो वहाँ पर शहरियत है वो हासिल करने से रोका जाता था, उस पाबंदी को अब ख़त्म कर दिया गया है जो बाइडन की जानिब से। इसके अलावा जो अमरीकी कांग्रेस से ख़िताब करना है और जो कैपिटल हिल की सिक्योरिटी सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है, उसको ये एक मरतबा फिर थ्रेट्स हैं और ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सदर जो बाइडन है अमरीका के, उनके ख़िताब के दौरान एक मरतबा फिर उसी तर्ज का हमला हो सकता है जो इससे पहले देखा गया था। तो इस पर बात करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है और कितनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी इस वक्त जो बाइडन के लिए देखी जा रही है, और मुहायदों के हवाले से पेरिस मुहायदा और ईरानी जौहरी मुहायदा भी ज़ेर बहस रहेंगे आज के इस प्रोग्राम में। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार मसूद अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे उनसे उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से जो 2018 में 2 अक्टूबर को जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से अब मंजर आम पर लाई गई है। गो के ये कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को काफ़ी पहले मंजर पर आ जाना चाहिए था, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप की कुछ हिकमत अमली या पॉलिसीज़ की वजह से इसको पब्लिक नहीं किया गया। अब जो बाइडन के दौरे हुकूमत में उनकी सदारत के आगाज़ में ही इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया है, जिससे ये अखज़ किया जा रहा है कि शायद इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के बाद जिनको ज़िम्मेदार करार दिया गया है उसके बायस शायद ताल्लुकात किसी हद तक मुतासिर हो सकते हैं सऊदी अरब और अमरीका के। मसूद अब्दाली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। क्या आप कहेंगे इस रिपोर्ट के बारे में जो नुकात इसमें शामिल हैं, जो इसके बारे में सऊदी वली अहद का नाम सामने आ रहा है, ज़िम्मेदार उनको करार दिया जा रहा है, कितना आप समझते हैं कि ताल्लुकात कितने मुतासिर होंगे इस रिपोर्ट के मंजर आम पे आने से? शुक्रिया समीन। देखें, ये जैसा आपने खुद ही फरमाया कि ये रिपोर्ट तो पुरानी है, नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका का बहुत ही मौकर अदारा है मालूमात जमा करने का, और इससे तहकीकात जो है उस वाकई के फौरन बाद शुरू कर दी थी। लेकिन इस रिपोर्ट को जैसे आपने कहा कि सदर ट्रंप ने पब्लिक नहीं किया था, क्योंकि एक खबर यह भी है कि शायद जमाल खशोगी अमेरिका के शहरी भी थे या अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर थे, तो उस लिहाज से किसी भी अमेरिकन शहरी या अमेरिकी अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंट के मौत के बाद ये ज़रूरी है अमेरिकी कानून के तहत कि उसकी मौत की तहकीकात कराई जाए। तो ये पाबंद थे सदर ट्रंप इस बात के कि वो उसकी तहकीकात कराते, लेकिन सदर को यह अख्तियार है कि ऐसे हसास रिपोर्ट जिससे बैन अवी ताल्लुकात या अमरीकी मफादात पर जर पड़ सकती हो उसे वो खुफिया रख सकता है, और जो रिपोर्ट अभी पब्लिक की गई है इसका भी कुछ हिस्सा खुफिया रखा गया है, यानी जो अभी कल रिपोर्ट। अब इसमें मसला यह है कि यानी इस रिपोर्ट आ जाने के बाद सदर अमरीकी सदर इस बात का पाबंद है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे, चुनांचे आपको देखा होगा आपने 76 अफराद जो है जिनके खिलाफ कल अमरीकी वजारत खजाना ने सेंक्शन किया है, जिसके अंदर उनके वीजे पे पाबंदी और उनके बैंक अकाउंट पे पाबंदी। उसमें बड़े नाम जो है असीरी साहब का है जो सऊदी इंटेलिजेंस के नायब थे और बहुत करीब थे हमारे वली साहब के,
और इस दौरान आपको पता है कि कोई 4-5 लोगों को सजाए मौत भी दी गई थी। जो सरकारी मौका आया सऊदी अरब का वो ये था कि ये तो दुरुस्त है कि वो कत्ल हुए, उन्होंने मौका ये था कि वो वीजा लेने के लिए गए थे, वहां पर बहस मुबहसा हो गया और उस दौरान पुरतशद्दुद वाकया हुआ जिसके अंदर खशोगी मारे गए और खाशक जी, बल्कि असल में तलफ्फुज़ उनका खाशक जी है, तो खाशक जी साहब मारे गए और उसके बाद जो है वो हमने उसकी कार्रवाई की और नतीजे को 3-4 लोगों ने सजा मौत भी दी। लेकिन उसके बाद आपको मालूम होगा खाशक जी के जो साहबजादे हैं उनकी फैमिली के लोग हैं उन्होंने माफ़ कर दिया था, चूंकि अब सऊदी अरब में इस्लामी शरीयत नाफिज है तो उनके ख्याल में ये है कि जब अगर खूनबहा माफ़ कर दे तो फिर उसके बाद उसका कत्ल नहीं किया उसको, उसका यानी उसको सजा मौत नहीं दी जा सकती। तो चुनांचे उन लोगों के साथ नरम करके कुछ लोग रिहा भी कर दिए गए, लेकिन असीरी साहब जो थे उसमें शामिल नहीं थे और ख्याल है कि असीरी ने किया था। लेकिन इस रिपोर्ट के बहुत अहम पहलू वो ये है कि इसमें बड़ी सराहत के साथ ये कहा गया है कि ये पूरी कार्रवाई मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर या उनकी हुकूम इजाजत से हुआ है और वो उनको हर वाक़े के बारे में इल्म था, तो वह वो बराह रास्त के जिम्मेदार है। और फिर इसी वजह से कल जो है मुलाकात बात भी की है जो बाइडेन साहब ने सलमान शाह सलमान से, इसमें भी बड़ा अख्तलाफ है। सदर ट्रंप जो है आमतौर से बड़े अहम मामलात पे वो मोहम्मद बिन सलमान से बात करते थे, लेकिन ये बात कल जो बाइडेन ने कही है कि भाई मेरे हम मनसब जो कि शाह साहब है इसलिए मैं जो बराह रास्त शाह सलमान से बात करूंगा। अच्छा, शाह सलमान से उन्होंने क्या बात की ये जो मौका अभी तक उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ये जरूर है जो सेंक्शन उन्होंने किया है जिन पर पाबंदियां लगाई हैं तादीबी पाबंदियां लगाई गई हैं उनके अंदर उसमें वली है शामिल नहीं है, मोहम्मद सलमान पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई, ना अमरीकी वजारत खारजा वजारत खजाना ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसका उनका नाम लिया गया है। लेकिन इसकी वजह से खुद अब जो बाइडेन के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई हैं। आज सुबह जो है अक्सर सियासतदानों ने जो है इसके ऊपर सख्त यानी रद्दअमल का इजहार किया, उनका कहना था कि असल जो उसका मुजरिम है मुलजिम जिसे कहते हैं वो मोहम्मद बिन सलमान है, लिहाजा उनकी नामजदगी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक मसला ये हो गया कि अगर ये वाकईतन उनका नाम शामिल हो गया और इसके बाद अगर अमरीकी वजारत दिफा ने वजारत कानून ने बाकायदा इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर दिया तो उस सूरत में मोहम्मद बिन सलमान का वारंट जारी हो सकता है। अच्छा। तो ये असल में परेशानी जो है जो बाइडेन साहब को ये है कि अगर वो ये रिपोर्ट पब्लिक करते हैं और ये उसके बाद अगर इस पे वजारत इंसाफ ने कोई इकदाम उठा लिया और इसको मुकदमा दर्ज कर दिया तो उस सूरत में बहरहाल इनको कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी मोहम्मद बिन सलमान के। लेकिन क्या महसूस साहब, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो बाइडेन इस पोजीशन में हैं कि वो एक इतना बड़ा जिसको तनाजा ही कहा जा सकता है कि तनाजे किसी कैफियत पैदा करना चाहेंगे या तनाजे किसी कैफियत में जो सूरत हाल डेवलप होती हुई हम देख रहे हैं वो उस तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त सऊदी अरब और अमरीका के ताल्लुक की ट्रंप दौर में रही है और मुख्तलिफ जो मामला इनके दरमियान तय पा चुके हैं और चल भी रहे हैं तमाम तर सिलसिले, कुछ कारोबारी भी मामला हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो बाइडेन लेंगे इतना बड़ा कोई स्टेप के एमबीएस के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो सके? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया और ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त अमेरिकी इंतजामिया का। देखिए, एक और मसला इस वक्त ये भी है कि जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था एक बार इस नशस्त में कि अब तक इनकी काबीना जो है वो मंजूर जो उसकी तौसीख नहीं हुई है सेनेट से, तो इनका कोई अटॉर्नी जनरल नहीं है इस वक्त, यानी सदर ट्रंप जो इस वक्त जो साहब काम कर रहे हैं बतौर अटॉर्नी जनरल वो कायम मुकाम है, जो सही मानों में ट्रंप इंतजामिया के जो साहब थे वो है। अब इनके जो अटॉर्नी जनरल वो उनके अभी तक तौसीख नहीं हुई है, तो बड़ा मसला ये भी है जो बाइडेन साहब की वो मशवरा कैसे करें और मामला तो कैसे आगे बढ़ाएं। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है मशरिक वस्ता में, और सऊदी अरब से लड़ना उनके लिए बिल्कुल यानी खुली जंग करना सऊदी अरब से उसको मुखालिफ बनाना इतना आसान इनके लिए नहीं होगा। कई मसाइल है, इनके कई अरब डॉलर के सौदे हैं असलहे के, इस लाखों जाब जो है वो मुतासर हो सकती है, फिर इनका बहुत बड़ा कारोबार है सऊदी अरब में, सऊदी अरामको जो पेट्रोलिंग कंपनी है उसके उसमें बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी जो है काम कर रहे हैं, काफ़ी तादाद में अमरीकी जो है सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे हैं, तो उस सूरत में यानी लड़ाई की सूरत में अगर जवाबी कार्रवाई की सऊदी अरब ने तो उस सूरत में अमरीका को भी मुश्किल पैदा हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मामला है कि अब ये बात इतनी आगे जा चुकी है कि कोई ना कोई कार्रवाई करना जो है वो जरूरी होगा इनके लिए सदर जो बाइडेन के लिए, उसके बजाय ये भी आप देखें कि इस वक्त जो सेनेट और कांग्रेस है
उसके अंदर इनकी अक्सरियत यानी बहुत ही मामूली सी अक्सरियत है, सेनेट में दोनों बराबर हैं और कांग्रेस में 4 नशस्तों की बढ़तरी हासिल है इनको, और ये मामला बढ़ रहे हैं, खासतौर से जो एक नया ग्रुप है डेमोक्रेट पार्टी में, जस्टिस डेमोक्रेट, जिसके बर्नी सैंडर्स और 4 खवातीन जो है मशहूर वो उसकी रुकन है, ये लोग बहुत दबाव डाल रहे हैं सदर जो बाइडन पे कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। क्या हमें माजी में ऐसी ऐसी कोई कार्रवाई नजर आती है या ऐसा कोई केस हमें नजर आता है कि इस तरह का कोई वाकया रोनुमा हुआ हो और फिर एक मुमलिकत के सरबराहान को दूसरे मुल्क के सरबरा के ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई करते हुए देखा गया हो? कोई ऐसा वाकया माजी में मौजूद है क्या? देखिए ये वाकया तो मौजूद है कि मतलब इस लिहाज से तो नहीं है कि एक मारा गया, लेकिन कर्नल कज़ाफी पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने वो जो पैनम की फ्लाइट थी जो धमाके से उड़ा दी गई जिसमें सैकड़ों लोग हलाक हुए थे, वो ये बात आई थी कि सदर कर्नल कज़ाफी ने खुद उसका हुक्म दिया था उस पर उसको उस पर दहशतगर्द कार्रवाई का और उनको जिम्मेदार ठहराया गया और इसलिए ये वाकया इस तरह, लेकिन ऐसा कि किसी कोई सरबराह मुमलिकत किसी खतरे में मुलव्वज़ हो, लेकिन देखें ऐसा वाकया हुआ भी कभी नहीं ना, यानी बहुत ही अजीब सा लग रहा है, यानी मुझे भी हैरत होती है कि वलीहद साहब इस कदर यानी इतने अकलमंद होने के बावजूद उन्होंने इस कदर यानी बचकाना कार्रवाई की कि वो कार्रवाई किसी और से करवा लेते, उनके वजह दफा करा लेते, बहुत कुछ भले शाही निज़ाम में तो बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं, बराह रास्त उनको इसमें मुलव्वज़ होने की ज़रूरत क्या थी? यानी इशारे अब्रू लोग समझते हैं इन निज़ाम के अंदर, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तमाम के तमाम शवाही जो हैं वो जो है उनके उंगलियाँ उनके तरफ उठ रही हैं कि बराह रास्त उन्होंने हुक्म दिया था ऐसा करने का, तो इसलिए बहरहाल ये जो आपके सवाल का जवाब है कि वाकईतन ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन यानी ऐसा वाकया नहीं हुआ कभी किसी सदर पे इल्ज़ाम लगाया गया, किसी सरबराह हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया गया हो या नायब सरबराह पे इल्ज़ाम लगाया गया हो कत्ल का, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से तमाम के तमाम जो तहकीकात हुई हैं तुर्की की जो तहकीकात है वो भी यही कह रही है और अमरीका की तहकीकात भी यही कह रही है, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी यही कहा है और इस इंडिपेंडेंट जितने भी यानी आज़ादाना तहकीकात हुई हैं उन सब में जो है वो उंगली मोहम्मद बिन सलमान की तरफ उठ रही है, तो मेरा तो ख्याल है कि इसका शायद एक ऐसा हल निकले के सदर उसके शाह सलमान साहब जो है उनको माजूर कर दें और किसी और को वलीहद नामजद कर दें, इस तरह जो है वो आग ठंडी हो सकती है। ठीक, लेकिन ये सिचुएशन भी खासी डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि खासा मकबूल हैं मोहम्मद बिन सलमान और जिस तरह से शाह सलमान इस वक्त तवीलुल उम्र हो चुके हैं और इंतहाई बुजुर्ग कैफियत उनमें हम देखते हैं, तो नेक्स्ट टू उनको ही MBS को देखा जा रहा था, लेकिन इतने बड़े केस के बाद यकीनन आपकी बात ठीक है कि किसी और को जो है वो नामजद किया जा सकता है। जो बाइडन की मुश्किलात जो है वो किसी तरह से कम नहीं हो रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं, खाशुक जी केस अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो अमेरिका की अपनी सूरत हाल है उस पर भी अगर हम बात कर लें तो जो इनका खिताब कांग्रेस से होना है उसकी भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है, जो सिचुएशन हमने देखी थी कैपिटल हिल पर हमले के दौरान वो हमला जो हो सकता है दोबारा अब भी उसका खतरा मंडला रहा है और कुछ सिक्योरिटी अलर्ट्स अब भी मौजूद हैं, इस पर भी आपसे हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी सवाल से हम गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل جو بات ہو رہی تھی جمال خاشقجی کے قتل کے حوالے سے سعودی صحافی کے لیے، اور جس طرح رپورٹ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ تعلقات کس حد تک ہو سکتے ہیں، یہ بتائیے کہ عبدالی صاحب کی کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تعلقات یا جو بائیڈن کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ امریکی کانگریس کی عمارت پر جو کیپیٹل ہل پر اٹیک ہوا تھا اسی طرز کا ایک اور حملہ ایک مرتبہ پھر جو ہے توقع کی جا رہی ہے اس کی، اور جو اس کی سیکیورٹی الرٹس ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس سے خطاب کے دوران ایسا ہی کچھ حملہ ہو سکتا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن کے لیے ناپسندیدگی موجود ہے ٹرمپ کے حامیوں میں وہ ابھی اس میں کسی طرح کی کمی نہیں آ سکی ہے اور اسی طرح کی صورتحال ایک مرتبہ پھر درپیش آنے کا خطرہ موجود ہے؟ اچھا، اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کی مشکلات، میرے خیال جو بائیڈن کی جو مشکلات ہیں اس وقت وہ وہی ہیں جو عام طور سے امریکی صدور کی ہوتی ہیں، بلکہ دنیا میں ہر سیاسی رہنما کی ہوتی ہیں، یعنی صدر اور وزیر اعظم کی ہوتی ہیں، کہ نیا صدر جب آتا ہے تو اس سے بہت ساری توقعات ہوتی ہیں لوگوں کو۔ پھر امریکہ میں لیکن خرابی یہ صدارتی خرابی ہے یہ کہ نظام کے میں کچھ طرح بڑھایا گیا کہ صدارتی نظام میں اس طرح ہے کہ تمام کے تمام کابینہ جو ہے وہ سینٹ سے اس کی توثیق ضروری ہے۔ ان کی 23 رکنی کابینہ میں صرف ابھی 6 افراد جو ہیں ان کی توثیق ہوئی ہے، اور بڑے اہم جو وزارتیں ہیں، وزارت تعلیم ہے، وزارت تجارت ہے، وزارت محنت ہے، پھر اٹارنی جنرل صاحب نے آپ کیا، پھر ایک اور بات یہ کہ یہ بہت انہیں یعنی جذباتی ہیں یہ انوائرمنٹ کے بارے میں، ماحولیات کے بارے میں، ای ٹی اے کے ڈائریکٹر جو اس کی نشست جو ہے وہ بھی ابھی اس کی توثیق نہیں ہوئی، تو اس لیے یعنی ان کو ایک طریقے سے مشکلات تو ہے کہ بہت سے فیصلے نہیں کر پاتے، قانون سازے نہیں کر پاتے، یہ کر پا رہے ہیں یہ۔ اور پھر اس میں یہ مطلب ہے کہ سینٹ بڑی مصروف ہے، پہلے وہ صدر ٹرمپ کی مواخذے میں مصروف رہی، اور اب وہ یہ امدادی پیکج لا رہے ہیں 1900 ارب ڈالر کا، اس میں مصروف ہے۔ کل کانگریس نے اس کو منظور کیا ہے، لیکن وہ اس میں لیکن ایک اور مسئلہ یہ کہ اس کے اندر ایک شرط یہ بھی لگائی گئی، شرط یہ بھی لگائی گئی کہ کم سے کم اجرت جو ہے امریکہ میں $15 فی گھنٹہ ہوگی، جس کے اوپر اعتراض ہے بہت سے خود ڈیموکریٹ کے کافی لوگوں کو، جو ان کا قدامت پسند طبقہ ہے۔ تو اب یہ قرارداد، اب یہ بہت بحث و مباحثے کے بعد یہ قرارداد منظور ہوئی کل رات کو، اور اب یہ جائے گی سینٹ میں، اور سینٹ میں ڈیموکریٹس پارٹی کے کم سے کم 2 افراد نے کہا کہ وہ اس میں سے ایک ترمیم پیش کریں گے جس کے مطابق $15 فی گھنٹہ والی جو اجرت والی بات ہے یہ نکال دی جائے گی اس میں سے، یا تو جو بائیڈن $11 پہ تیار ہو، یا یہ کہ اس شک کو نکال دیا جائے، قرارداد منظور کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اجرت کے مسئلے میں دوبارہ بات کریں۔ اس کا مطلب یہ قرارداد منظور ہوں گے دوبارہ واپس آئے گی ایوان نمائندگان میں، پھر سے بحث ہوگی۔ تو مصیبت یہ یعنی مشکل یہ ہے صدر بائیڈن کی کہ سینٹ بہت سارے دوسرے کاموں میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی کابینہ کی توثیق نہیں کر پا رہی، اور جو قانون سازی وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہی ابھی تک، امیگریشن کے حوالے سے اور بین الاقوامی تجارتی تعلقات کے حوالے سے، زیادہ تر ابھی تک وہ صدارتی احکامات جاری کر کے کام چلا رہے ہیں، اپنا جو جمہوری معاشرے میں بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا، یہ جہاں تک آپ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کا تعلق ہے، تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ امریکی آئین کے تحت، امریکی آئینی ضرورت ہے کہ صدر جو ہے وہ جو یونین کی صورت، جیسے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ملک اس لحاظ سے نہیں ہے جس باقی ممالک، یہ دراصل ایک وفاق ہے 50 اکائیوں کا، اور تمام کے تمام 50 ریاستیں جو ہے وہ تمام معاملات ہیں سوائے کرنسی اور امور خارجہ کے، تمام معاملات ہیں بالکل آزاد و خود مختار ہیں، اور صدر جو ہے وہ ان کا ان کے جسے کہتے ہیں امنگوں کو ترجمان ہے، ان کا ترجمان ہے۔ اس لیے صدر کی ذمہ داری کہ ہر سال ایک سال میں ایک بار کم از کم وہ یہ بتائے کہ یونین کی صورتحال کیا ہے، معاشی صورتحال کیا ہے، اس یعنی ملک کو کس قسم کے خطرات درپیش ہیں، اس کی جغرافیائی سلامتی کو کیا خطرہ لاحق ہے، اور اس کے سر دباب کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے۔ تو عام طور سے صدر ہر سال خطاب کرتے ہیں، روایت یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں تقریر ہوتی ہے ان کی، لیکن اس بار چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دوسری مصروفیات صدر ٹرمپ کی بہت زیادہ ہیں، جیسے برفانی طوفان آ گیا، انہیں اس کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ اتنا بڑا یعنی میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بڑا آئینی مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ بعد میں کر لیں گے۔ اصل مسئلہ ان کے لیے جو ہے وہ انتظامیہ ہے کہ انتظامیہ جو پوری تشکیل نہیں پا سکی، صحیح انتظامیہ تشکیل نہیں پا سکی، لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کے کچھ قانون سازی کے معاملات جہاں تعطل کا شکار ہیں، وہیں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ اس طرح کے فیصلے کیے گئے ہیں جو بائیڈن کی جانب سے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور جو امیگریشن لا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ایک فیصلہ ٹرمپ نے کیا تھا گرین کارڈ کے لیے درخواست گزاروں
वालों के हवाले से, उसको मुस्तकिल सकूनत की दरख्वास्त देने वालों को अमरीका में दाखिले से रोका जाता था, जो अब कहा जा सकता है कि इसको तब्दील कर दिया गया है या पाबंदी खत्म कर दी गई है, तो ये फैसला किस तरह से देखा जा रहा है और कौन लोग हैं जो इस चीज से फायदा उठा सकेंगे और उनके हक में ये बेहतर हुआ है? देखिए ये सब यानी इमिग्रेशन जो है ये तो इनके इंतखाबी मंशूर का हिस्सा था। इन्होंने दो बात का वादा किया, दो बातों का, एक तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों पर पाबंदी लगाई गई थी 6 मुसलमान मालिक पे, वो फौरी तौर पर हटाएंगे उसको, और वो बहुत आसान हटाना इसलिए था इनके लिए कि चूंकि वो जारी भी हुआ था एक सदारती हुक्म के तहत, यानी सदर ट्रंप ने हुक्म जारी करके पाबंदी लगाई थी, उन्होंने एक हुक्म जारी करके उस हुक्मनामे को मंसूख कर दिया, तो बात बहुत सादा सी थी, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसी तरह इमिग्रेशन में जो पाबंदी लगाई थी सदर ट्रंप ने, यानी खासे अकलमंद आदमी है, उन्होंने ये नहीं कहा पाबंदी लगाई, उन्होंने कहा कि COVID-19 की वजह से हम जो है ये रोकना चाहते हैं सफर, इसलिए फिलहाल जो है तमाम के तमाम जो दरखास्तें हैं उनको मुंजमद कर दिया जाए। तो सदर ट्रंप, सदर जो बाइडन ने उस इंजमात को जो है वो खत्म कर दिया, तब वो बिल्कुल जैसे पहले हो रहे थे इमिग्रेशन के मामला, वैसे अब दुनिया में चलते रहेंगे। लेकिन असल जो बात है वो इमिग्रेशन पॉलिसी लाना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं इमिग्रेशन का, कि जो तकरीबन यानी 1 करोड़ के करीब, 80 लाख के करीब जो गैर मुल्की तारीखें, गैर कानूनी गैर मुल्की तारीखें वतन है, उनको जो है वो कानूनी बनाया जाए ताकि उनकी शहरियत का राह हमवार की जाए। इसके लिए कानून साजी की जरूरत है, और कानून साजी जो है वो ज़ाहिर है सेनेट और कांग्रेस के जरिए होगी, और उसका इलाज वो उसके जो स्केड्यूल है वो इतना मसरूफ हैं ये लोग कानून साज हमारे कि उनके पास इस वक्त यानी नई किसी करारदाद को लेने का वक्त नहीं है। तो ये असल ये वो मामला थे जिसको करना चाहते हैं। बाकी रहा कि इसके असरात क्या होंगे, तो बहरहाल यानी जो सदर जो बाइडन के वोटर हैं वो तो बहुत खुश हैं कि उन्होंने इसी बुनियाद पर वोट दिया था उनको, जबकि कदामत पसंद जो हैं वो नाराज हैं, बल्कि बड़ी अच्छी बात है आज ही कल अभी इसी वक्त एक यहाँ पर अदारा है कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी CPAC, या पाकिस्तान का CPAC नहीं यहाँ का CPAC, उसका इजलास हो रहा है जिसके अंदर कल बहुत लोगों ने तकरीर किया, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सदर ट्रंप 2024 में दोबारा इंतखाब लड़े, बल्कि इनके टेक्सस के जो सेनेटर टेड क्रूज, उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि सदर ट्रंप खत्म हो गया, सदर ट्रंप का सियासी करियर खत्म हो गया, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है, सदर ट्रंप का सियासी करियर जिंदा है और सदर ट्रंप अभी भी दोबारा सदर बन सकते हैं। तो मतलब यानी ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये जो नजरियाती यानी अच्छी बात है कि अमरीकी सियासत नजरियाती रंग अख्तियार कर रही है शख्सी रंग के बजाय। तो अब ये जो मामला है इमिग्रेशन का, यकीनन ये रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी में भी जो कंजर्वेटिव ग्रुप हैं दो तीन अरकान, वो इस बात को उठाएंगे। तो यानी ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो इमिग्रेशन के मसाइल हैं, उस इमिग्रेशन पे जो उन्होंने जो पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं जो बाइडन, उससे उनके वोटर और बल्कि अमेरिका की अक्सर खुश है उससे, खास तौर से क्योंकि अमेरिका में आपको पता है कि अब गैर लोग चाहते हैं। अदर साहब थोड़ा सा मुहाइदों पर हम आएंगे, और जिस तरह से पेरिस मुहाइदे में वापसी हुई है अमेरिका की, ट्रंप जिससे बाहर निकल गए थे, और फिर एक बड़ा मसला जो ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए रुकावट बना हुआ है वो जौहरी मुहाइदा 2015 का है, जिसमें वापसी का ऐलान तो ज़रूर किया गया अमेरिका की जानिब से, लेकिन उस पर वही बात है कि ईरान की तरफ से पहले अमल दरामद की शर्तें लगा दी गई हैं कि वो अपना जो यूरेनियम अफजोदगी का अमल है उसको रोके। तो आप किस तरह से देखते हैं इन फैसलों को कि आलमी सतह पर तो खासी पजीराई मिली है पेरिस मुहाइदे में वापसी पर अमरीका को, लेकिन अमरीकी जो ट्रंप के आपने कहा कि अभी या तो कंजर्वेटिव कुछ ग्रुप्स मौजूद हैं वो ट्रंप के फैसलों को ही मानते हैं, तो वो किस तरह से देख रहे हैं इन चीज़ों को और आम अमरीकी किस तरह से देखते हैं? देखिए दुनिया के सब मुल्क में ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि सदर यानी हुकूमत की पॉलिसी को सारे आवाम की पजीराई हासिल हो, उसके खिलाफ हमेशा मुखालफत करते हैं, पाकिस्तान में हिंदुस्तान में हर जगह ये होता है। तो इसमें तो ये यानी ये तवक्को करना कि जो बाइडन को पूरी कौम की हिमायत हासिल होगी ये तो जाहिर है कि मुमकिन नहीं है। जो भी पॉलिसी होती है, जब ट्रंप ने पाबंदी लगाई थी मुसलमानों पे तो उस पर अजीमशान मुजाहरे हुए थे सारे अमेरिका के अंदर, लोगों ने उसकी मुख्तलिफ मुखालफत की थी, तो ये तो जाहिर है कि ये मसला रहेगा। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया पेरिस माहदे का ताल्लुक जो है वह उससे इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा अहम अदारा अमरीका में EPA है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वो उसका जो डायरेक्टर है वो अभी तक अब भी नहीं हुआ सेनेट से। तो ये भी बड़ा मसला है कि बहुत से मामलात में जहां आगे बढ़ना चाहते हैं वहां पर उनको वसायल मयसर नहीं यहाँ पर जिससे आगे बढ़ सके। अब बाकी रहा ईरान का माहदा, तो ईरान का माहदा का मसला ये है कि चूंकि ये माहदा पूरा हुआ ही था सदर ओबामा के दौर में, जब
जो बाइडेन नायब सदर थे और जो ब्लिंकन साहब जो वजीर खारजा हैं, ये नायब वजीर खारजा थे और इनका इनका बड़ा काम था इसके अंदर। बल्कि पूरी टीम जो सदर ट्रंप की इस वक्त है, ईरान के जो के लिए जो उन्होंने अपना खुद नुमाइंदा मुंतखब किया वो साहब, फिर कौमी सलामती के लिए जो सदर ट्रंप के मुशीर हैं वो, और ब्लिंकन, ये तीनों हजरात जो थे उस माहदे यानी जो न्यूक्लियर माहदा किया गया था, जौहरी माहदा किया गया था ईरान से, उसके समझिए कि ये मेहमान थे, इन्होंने ये सारी चीजें तय की थी, तो ये चाहते हैं कि उस पर वापस जाएं। लेकिन इसमें मसला जो हो गया है वो ये कि ईरान का कहना ये है कि दोनों मौका पर लगे, ये कहते हैं कि आप ईरान जो है अफजूदगी रोके, जब ईरान कहता है कि आप पाबंदी पहले खत्म करें फिर हम ये बात शुरू करेंगे, तो देखा जाए मौके में दोनों के वजह नहीं जाएगी। ईरान ये कह रहा है कि माहदा हम तो माहदे अमल दरामद कर रहे थे, सदर ट्रंप साहब ने खुद माहदा मनसूख कर दिया एक तरफा और हम पर पाबंदी लगा दी, तो जब उन्होंने हम पर पाबंदी लगाई तो हमने भी अफजूदगी दोबारा शुरू कर दी, लिहाजा अब अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा माहदे में आए तो हम ये तैयार है माहदे पे अमल दरामद के लिए, लेकिन आप फिर अपनी शर्त पूरी करें, आप जो पाबंदियां खत्म करें और उसके बाद जो है फिर हम उसके बाद करें। लेकिन इसमें जो कल एक वाकया हुआ परसों जुमेरात को, जब अमेरिका ने मशरिकी शाम यानी इराक और शाम के सरहद के ऊपर ईरान नवाज जो मलेशिया ग्रुप हशद अल शाबी है उस पे हमला किया है, तो जाहिर उसकी वजह से अब मेरा ख्याल है कि सूरत हाल मजीद कशीदा होगी दोनों के दरमियान। फिर एक और बात जो कल उन्होंने टेक्सस में आए थे सदर जो बाइडन, उन्होंने कल मजीद कह दिया कि साहब ये हमने पैगाम दिया ईरान को कि तुम मोहतात रहो, तो जाहिर ये धमकी सारी चीजें जो हो रही हैं, तो उसकी वजह से फिर ये कल इसराइल ने इसकी जबरदस्त खैर मकदम किया, और फिर एक और ये बात खबर आई कि इसराइल को एतमाद में लिया गया था हमले से पहले, यानी अमेरिका ने हमला करने से पहले इसराइल को एतमाद में लिया था। ये अमरीकी पेंटागन का कहना है कि हमारा आम तरीका है कि चूंकि हमारा सबसे बड़ा इत्तेहादी है मशरिक वुस्ता में इसराइल, इसलिए मशरिक वुस्ता में कोई भी कार्रवाई करने से पहले इसराइल को उसकी इत्तला देते हैं, लेकिन ये जहाज भी उड़ते रहते हैं तो ऐसा ना हो कि कोई फ्रेंडली फायर वाले कैफियत पैदा हो जाए, इसलिए मैंने उनको बताया था, यानी कोई खास नई चीज नहीं थी, लेकिन ईरानियों को इस बात पर इश्तियाल, ईरानी मुश्तैल है इस बात के ऊपर, तो अब ये नहीं समझ में आता कि एक तरफ वो मुआहदा करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो कार्रवाई इन्होंने की है, इससे ऐसा लग रहा है कि दोनों इन्हें एक डायरेक्शन में पॉलिसी नहीं जा रही, बल्कि शायद इंतजामिया के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सम्प में सफर कर रहे हैं। सही, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मसूद अब्दाली, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफी और तजिया का, और इस वक्त जो बाइडन को दरपेश मुश्किलात के हवाले से हमने कुछ बातचीत की, साथ साथ हमने जिक्र किया सऊदी सहाफी जमाल खाशिकजी के कत्ल के हवाले से जो रिपोर्ट अब पब्लिक की गई है, जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर सदारत में तैयार कर ली गई थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उसको पब्लिक नहीं किया गया या कुछ मफादात के खातिर उसको दबा दिया गया, लेकिन अब जो मंजर आम पर लेकर आया गया है और सऊदी शहजादे को बाकायदा तौर पर जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, तो क्या इस रिपोर्ट को पब्लिक करने से ताल्लुकात इस हद तक मुतासर हो जाएंगे कि मुस्तकबिल में अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान जो अरबों रुपए के मुहदे हुए हैं वो खत्म हो सकते हैं? इसके अलावा जो अमरीकी सदर जो बाइडन को इस वक्त अपनी काबीना के तकमील के हवाले से मुश्किल दरपेश हैं, उस पर हमने बातचीत की, और जिन माहदों में वो वापस आए हैं पेरिस मुहायदा और ईरानी जौहरी मुहायदे के लिए जो बातचीत करें उसमें कितनी अभी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। आज के प्रोग्राम के लिए फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।